आगरा के लोहा मंडी निवासी एक दिव्यांग महिला और उसकी माँ को उसके पिता व दो भाइयों द्वारा घर से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद दोनों दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भारतीय दिव्यांग यूनियन के सदस्य जिला मुख्यालय पहुंचे और उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार आगरा के थाना लोहा मंडी के शिरकी मंडी की महिला दिव्यांग है। महिला का नाम आरती है। दिव्यांग महिला और उसकी माँ को उसके पिता और दो भाइयों ने मिलकर घर से बाहर निकाल दिया। इसकी जानकारी होते ही भारतीय दिव्यांग यूनियन के सदस्य जिला मुख्यालय पहुंचे और उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंप जमकर हंगामा काटा। इस दौरान दिव्यांग यूनियन के सदस्यों ने पीड़िता और उसकी माँ को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। राधा दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सर, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे अन्याय इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे काफ़ी दिनों से हम किराए पे रह रहे हैं। हमारे भाइयों ने, हमारे पापा ने हमें घर से बेदखल कर रखा। जब मैं चाहती हूँ मुझे घर चाहिए और हमारा खर्चा बनवा दीजिए। पता नहीं सर, हमें निकाल देते हैं, लड़ते हैं, खर्चा बंद कर देते हैं, भाइयों का संग देते हैं। आज हम तो जिला मुख्यालय से लिए आए कि रात को मेरे पास एक कॉल गया था। ये आरती नाम की बहन है हमारी, और उन्होंने कॉल किया था कि हमारे पापा और दो भाइयों ने हमें घर से बाहर निकाल दिया, हमारी मम्मी को और हमको। और ये दिव्यांग बहन है, इनकी उम्र करीबन 40 साल है और वैसे लगती छोटी सी बेचारी, और इनके साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है और किराए पर रह रही है काफ़ी लंबे समय से। तो हमने आज यही डीएम साहब से गुहार लगाई है कि उस बच्ची को न्याय दिलाएँ कैसे भी करके, और डीएम साहब ने भी कहा है कि हमें इसकी सुनवाई जल्द से जल्द करवाएंगे। क्या परेशानी हुई थी, क्या कॉल आया था, क्या कुछ बताया? ये रात को इन्होंने मेरे पास कॉल किया कहीं से नंबर लेके, तो ये अचानक रोने लगी। मैंने इसको पूछा, बेटा ऐसी क्या बात है, आप कौन बोल रही हैं? तो इन्होंने अपने बारे में मेरे को बताया, मैंने भी एक दिव्यांग बोल रही हूँ लोहा मंडी से, और मेरे साथ मेरे पापा ने ऐसा किया है और हमें घर से बाहर निकाल दिया है, और बहुत टाइम हो गया हमें किराए पर रहते हुए, और हमारे रोटी खाने के लिए पैसे भी नहीं है, और हम दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं, किराए के भी पैसे नहीं है हमारे पास में। ठीक